अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशु मलिक है, मैं गोताखोर हूँ पटियाला पंजाब से। दोस्तों, आज मैंने जो वीडियो बनाया वो सिर्फ इसलिए बनाया कि आपको थैंक्स कहने के लिए। और हमारे एक भाई हैं संजय सूद जी, ऑस्ट्रेलिया से। वो हमारी बहुत अक्सर फिक्र करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने हमारे को गोप्रो कैमरा दिलाया था, और अब फिर अब की बार मेरे जो चार बच्चे हैं उनकी फ़ीस के लिए, उनकी वर्दी के लिए, उनके जूते, जो भी उनका पूरा स्कूल की खर्चा हुआ, जो भी टोटल खर्चा है, वो उन्होंने अब की बार भरा है। संजय सूद जी हैं ऑस्ट्रेलिया से, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो साथी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो हमें देखते हैं और इतना प्यार करते हैं, और हमारी जो सेवा है, जो हम लोग जितने भी गोताखोर हैं, हमारे साथी को गोताखोर जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, चार राज्यों के अंदर अलग अलग कोनों के ऊपर जाकर अपनी सेवा करते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की डेड बॉडियाँ निकाल के देते हैं और अपना सफ़र तय करते हैं। उसके अंदर जंगली जानवर भी होते हैं, सांप भी होते हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर होते हैं। नहरों के अंदर इतना तेज बहाव पानी होता है, उसके बाद अपनी जान को जोखिम में डाल के अंदर पानी के अंदर जाकर उन सबों को बाहर निकालते हैं। कोई सरकारी चीज़ गिर जाए, कोई जैसे कोई वेपन गिर जाए, कोई मर्डर केस की कोई चीज़ होती है, कोई गाड़ी गिर जाए, उसको भी बाखूबी अपनी पूरी जान को जोखिम में डाल के उसको निकाल के परिवार के हवाले करते हैं, ताकि एक सबूत के तौर पर जो कोई केस होता है उसको, ताकि क्लोज किया जाए केस को। और जितना भी पुलिस प्रशासन है या कोई भी सरकारी महकमा, किसी तरह का भी कोई सरकारी महकमा, उनकी भी हेल्प करते हैं हमारे गोताखोर, और समाज की भी हेल्प करते हैं और करते रहेंगे जब तक जीवन है। परमात्मा ने, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु ने दे रखा है, तो जब तक वो सेवा करते रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के धर्म की वीडियो बना बना के डालते हैं। मैं इस मुसलमान से नफरत करता हूँ, मैं हिंदू से करता हूँ, कुछ मुसलमान है वो कहते हैं मैं हिंदुओं से करता हूँ, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, मतलब हर धर्म के अंदर एक ना एक नालायक आदमी ज़रूर है, हर धर्म के अंदर ही। मैं ये नहीं कहूँगा किसी धर्म को टारगेट करके उस धर्म के अंदर अच्छे बंदे, देखो हर धर्म के अंदर कोई ना कोई नालायक बंदा होता है, एक सिर्फ, और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसका जो असर है पूरे समाज के अंदर जाता है। तो आज का जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हमारी जीविका चलती है, जो हम लोग काम करते हैं नहरों के ऊपर, दरियाओं के अंदर, नहरों के अंदर, गंदे नाले, कुएं, खेत खलिहान, जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं और जो हम काम करते हैं, हम ना धर्म और मजहब को कभी नहीं देखते। मेरे जीवन काल के अंदर मैंने जितनी भी डेड बॉडियाँ निकाल ली हैं, उसके अंदर से मैंने कभी नहीं पूछा कि भाई इसकी जाति क्या है, इसका मजहब क्या है। मेरा नहीं, जितने भी साथी गोताखोर जो काम कर रहे हैं चारों राज्यों के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो साथी गोताखोर हमारे काम कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे सरकारी गोताखोर है, चाहे प्राइवेट है। देखो, डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर का को ना एक भगवान का दर्जा दिया गया है, वो कभी किसी की जात धर्म नहीं पूछता, डॉक्टर भी नहीं बताता कि मेरी जात क्या है, लेकिन वो अपना जो काम है बाखूबी, उसकी जान बचाने का जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो भी इलाज होता है, वो बेचारा जी जान लगा देता है। जैसे वकील होता है केस को जिताने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, वो ये नहीं देखता सामने वाला हिंदू है, मुसलमान है, चाहे वकील हिंदू हो और वो मुसलमान का केस लड़ रहा है, और वो पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेगा, उसको लड़ के उसको पूरा न्याय दिलाएगा, इंसाफ दिलाएगा, चाहे उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक मर्जी जाना पड़े, और उसको इंसाफ दिला करेगा। वही काम हमारे गोताखोरों का, भाई हमारा जो काम है वो ये है, हमने कभी जात धर्म के ऊपर कभी काम नहीं करा, और जीवन के अंदर जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक हमारे अंदर प्राण है, धर्म का कभी नहीं होगा कि मैंने देखो मैं मुसलमान हूँ, ये देखो मैं टोपी मेरे पास है, हमेशा टोपी साथ रखता हूँ, हमेशा नमाज भी पढ़ता हूँ, रब का शुक्र भी अदा करता हूँ। लेकिन 99% जो मेरे व्यूवर्स हैं, 99% कह रहा हूँ, जो मेरे फॉलोवर हैं, 99% लोग जो हैं मेरे फॉलोवर, वो हिंदू धर्म के हैं, और उसके अंदर से आज तक मेरे को कभी महसूस नहीं होने दिया उन लोगों ने जो पैसे भेजते हैं, मेरे को दान करते हैं, मेरे बच्चों के लिए कपड़े भेजते हैं, कैमरे, मोटरसाइकिल, स्कूटर, सिलेंडर, जो भी है मेरा अपना कुछ नहीं है, सब दान में आया, और उसमें 99% हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिले हुए हैं, 1% मानता हूँ मुसलमान है, लेकिन 99% अदर कौम में हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है। कभी मेरे को महसूस ही नहीं होने दिया कि तू किस धर्म का, किस जाति का, किस उसका, तो फिर मैं क्यों देखूँ इन चीज़ों को, मैं इन चीज़ों को क्यों समझूँ। तो मैं सबसे पहले तो सूत जी हैं जो जिन्होंने मेरे बच्चों के लिए, मेरी बच्चों की शिक्षा के लिए जो उन्होंने किया, संजय सूद जी दिल से सलूट है आपको, आपने मेरे बच्चों के लिए इतना सोचा है, और मैं आपको भी जितने मेरे साथी हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि समाज के अंदर अच्छा मैसेज आए। जैसे हमारे सम्मी भाई जी थे अमेरिका से, पेंसिल्वेनिया से, नवा शहर के रहने वाले, नोरे गाँव के, उन्होंने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की थी। इसी तरह ऐसे बहुत से 20-25 परिवार ऐसे हैं जो बाहरली कंट्री के अंदर बैठे हैं, सिख फैमिली से हैं, हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम भी है कुछ, इस तरह मेरी हेल्प करते हैं जैसे मैं उनका अपना खुद का बच्चा हूँ, मैं उनके परिवार का मेंबर, उनका साथी, उनका भाई, जैसे मैं उनकी फैमिली का एक मेंबर हूँ, इस तरह मेरी बेचारे हेल्प करते हैं।
तो बताओ फिर मैं समाज सेवा क्यों ना करूँ, मैं लोगों की हेल्प क्यों ना करूँ, मैं किसी की जाति क्यों पूछूँ। देखो इंसान की कोई जाति नहीं, परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु ने हमें इंसान बना के इस धरती के ऊपर उतार दिया था और उसी के तहत हमारे चल रहे ये जात पात धर्म ऊंच नीच जाति हम लोगों ने बनाई है, ठीक है। तो भाई हमेशा चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पर अपने धर्म के अंदर कभी भी कट्टर ना बनो। जो भी कोई तीज त्यौहार आता है उसको मिल के मनाओ। अगर कोई किसी के ऊपर आपदा आती है, मुसीबत आती है, देखो खालसा एड एक संस्था NGO है, लोग उसको खालिस्तानी कुछ कुछ कहते हैं, मैं नहीं कहता, क्योंकि वो गुरु के बंदे हैं, सारी दुनिया के अंदर लंगर पहुँचा रहे हैं, सारी दुनिया के अंदर सेवा कर रहे हैं, जिसके अंदर उनके पास है तकरीबन 19 कंट्रियाँ मुस्लिम कंट्री हैं। देखो सरदार हैं वो, 19 कंट्रियाँ मुस्लिम कंट्रियाँ जिनके अंदर वो अपनी सेवा निभा रहे हैं। कभी वो ये जात पात धर्म नहीं देखते, ईसाइयों के यहाँ भी जाते हैं, हिंदुओं के यहाँ भी जाते हैं और मुसलमानों के यहाँ, सब जगह जाते हैं। वो अपने धर्मों की कम सेवा करते हैं, दूसरे धर्मों की वो लोग ज़्यादा सेवा करते हैं। तो आप भी नेक बनो और दूसरे धर्मों की ज़्यादा सेवा करो, ताकि एक दुनिया के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए, एक अच्छा पैगाम जाए, समाज के अंदर एक अच्छा ही उभर के आए। देखो हमें जो चीज़ बचानी है, पानी को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है, पशु पक्षियों को बचाना है, तो हरियाली की तरफ काम करो, पानी बचाने की तरफ काम करो, समाज को बचाने की, इस पृथ्वी को बचाने की, देखो धर्म की लड़ाई ना लड़ो। तो भाई सबसे पहले बार बार बोलता रहूँगा, संजय सूद जी आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने मेरे 4 बच्चों की जो है पढ़ाई, जो है 2 बच्चों की मेरे पढ़ाई पिछले 5 साल से रुकी हुई थी, संजय सूद जी ने पैसा भेज के और 2 बच्चों की पढ़ाई उनकी भी चालू करवा दी उन्होंने, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। संजय भाई दिल से सलाम है आपको, और आपको भगवान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमावे। वो मेरा रब ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु आपको इतनी तरक्की दे, आप समाज की हर वर्ग की मदद करते रहो। तो आपको भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो दान होता है ना, दान सबसे पहला दान होता है अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फिर दूसरा दान होता है अपने रिश्तेदारों के लिए, जो बेचारे कमज़ोर हैं, जो आपको तो रब ने दे दिया, पैसे दे दिए, दौलत दे दी, जायदाद जमीन सब दे दिया, और आपके रिश्तेदार कमज़ोर हैं, आप उनकी मदद करो सबसे पहले। फिर उसके बाद अदर चीज़ें आती हैं, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु क्या कह रहा है कि अपनी परिवार की मदद करो सबसे पहले। तो अगर कोई आपकी बहन, कोई आपका भाई, कोई आपके गांव का कोई रिश्तेदार अगर वो कमज़ोर है और उसके घर में आटा नहीं है और पैसे नहीं है, कोई परेशानी हो रही है, तो सबसे पहले उस बेचारे की मदद करो, अपने परिवार के मेम्बर की। उसके बाद फिर दूसरी धर्मों की, दूसरी जातियों की मदद करना सीखो, क्योंकि ज़रूरी है अपने परिवार से शुरू करोगे तब जाके काम बनेगा। और जितने भी मेरे साथी हैं भाई, एक पेड़ ज़रूर लगाए। आप ये मत सोचना मेरे एक पेड़ लगाने से क्या होगा, ये जो आप हवाएं ले रहे हो, ये वृक्ष देख रहे हो, ये पेड़ देख रहे हो, बड़ी बड़ी ये सारी चीज़ें देख रहे हो, ये वो पेड़ है जो आपके पुरखे लगा के गई थी। उन्होंने इसलिए नहीं लगाया था इसकी छाया कोई मुसलमान लेगा, कोई हिंदू लेगा, या कोई सिख या कोई ईसाई लेगा, उन्होंने हर धर्म के लिए पेड़ लगाए थे। तो आप भी हाथ जोड़ के विनती अपील है, एक पेड़ और एक घोंसला, पशु पक्षियों का घोंसला जरूर लगाएं अपने जीवन के अंदर, नेक काम करें। और जितनी भी चींटियां मिलती हैं, कीड़ियां मिलती हैं, उनके लिए आटा चीनी घेरते हुए जाएं, भाई ये भी रब की मखलूक है, ये भी रब से दुआ करते हैं कि कोई हमारे लिए खाना भेजे। तो आपसे हाथ जोड़ के अपील है, तो ये करते रहना। और मेरे भाई मैं आशु मलिक गोता और आपसे एक अपील और करना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मुझे दान मत करो, लेकिन उस परिवार को, उस आदमी को जरूर दान करना जो आपके गाँव में, या आपके काम करने वाली भाई है, आपका ड्राइवर है, या आपके कपड़ा प्रेस करने वाला धोबी है, जो भी आपके नज़दीक है, पहले उसकी मदद जरूर करें। वो भी बेचारा परेशान है, क्योंकि ना कुछ परिवार ऐसे हैं जो बेचारे भूखे सोते हैं, जिनके घरों के अंदर खाना तक नहीं होता, रोटियां तक नहीं होती। तो भाई उनकी भी मदद करते रहें। जितने भी साथी गोताखोर मेरे अलावा जितने भी साथी गोताखोर आपको नजर आए, भाई उनकी मदद करते रहें, क्योंकि हमारे पास ना सब जितने भी साथी गोताखोर सब किराए पर, किसी पर अपना मकान नहीं है, और सबकी जीविका यहीं चलती है। कोई नारियल निकालता है, कोई दान करेगा पैसे निकालता है, कोई डेड बॉडी से लेता है, मतलब हर किसी का जीवन जो है यहीं से चलता है, यहीं से विभिन्न होता है। तो भाई उनकी भी मदद करते रहे, आज से हाथ जोड़ के विनती है। और जाने अनजाने में अगर मैंने वीडियो के अंदर कोई आपका दिल दुखाया हो, मेरी बात से आप सहमत ना हो, चाहे वो मेरा हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं हाथ जोड़ के समा चाहता हूँ, अगर मेरी कोई बात उसको जीवन के अंदर कभी कोई मेरे अल्फाज गलत लगे हों या मेरा काम गलत लगा हो, मैं भाई हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अपने छोटा भाई समझ के, अपना बड़ा भाई समझ के, अपना बेटा समझ के, भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरे बड़े बुजुर्ग हों, मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरी किसी चीज़ के अंदर कोई गलती नज़र आई हो आपको, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, तहे दिल से आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। और संजय सूद जी मैं आपका फिर कह रहा हूँ, आपका थैंक्स भाई, आपने 2 बार मेरी हेल्प कर दी, और हमेशा इसी तरह लोगों की हेल्प करते रहना। आपके बच्चों की ज़िंदगी ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु लगाएगा, और आप आज जिस मुकाम पे हो, रब कल के दिन आपको इससे भी बड़े मुकाम के ऊपर भेजेगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। और वो रब ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु कह रहा, आप 1 रुपया दान करोगे ना किसी को, तो आपको 70 गुना देगा उसका, ये ध्यान रख लेना। सबको कह रहा हूँ,
जो भी एक रुपया दान करेगा उसको 70 गुना मिलेगा। वो रब ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु अपने ग्रंथों के अंदर, अपनी किताबों के अंदर कह रहा है जितना आप दान करोगे उसका 70 गुना आप लोगों को मिलेगा। तो दान करते रहो, पुण्य कमाते रहो, क्योंकि दान से ही सब कुछ है। तो मुसलमान भाइयों के लिए भी जकात, फितरा, सदका जो भी है, रमज़ान का महीना चल रहा है भाई, सारा निकाल दो भाई, दिल खोल के दो मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर, या कोई मजलूम है कोई भी हो, वो किसी भी धर्म किसी भी जात का हो भाई, उसकी मदद करते हो। जो अगर आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी पड़ोसी आपके गांव आपका शहर का है, धर्म जात बिल्कुल कभी भी देखो, मदद करते रहो। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो समाप्त करते हैं, कल फिर नई कहानी और एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अलविदा।